आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आजादी के बाद बहुत बड़े बड़े विद्वान लोगों ने बहुत आशंकाएं व्यक्त की थी, पता नहीं देश का क्या होगा, चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, एक रहेगा कि बिखर जाएगा, लोकतंत्र बना रहेगा नहीं, पचासों। लेकिन इस देश की संसद की ताकत है कि पूरे विश्व को गलत सिद्ध कर दिया और ये राष्ट्र पूरे सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ता रहा। और इस विश्वास से कि हम भले आशंकाएं होंगी, घने काले बादल होंगे, लेकिन सफलता प्राप्त करते रहेंगे। और ये हम सब लोगों ने, हमारी पुरानी पीढ़ियों ने मिलकर के इस काम को करके दिखाया है, इसका गौरवगान करने का ये अवसर है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इसी भवन में 2 साल 11 महीने तक संविधान सभा की बैठकें हुई और उसने देश के लिए एक मार्गदर्शक जो आज भी हमें चलाता है, हमारे संविधान दिया। और 26 नवंबर 1949 को जो संविधान हमें मिला, वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इन 75 वर्षों में सबसे बड़ा जो अचीवमेंट है वो ये है कि देश के सामान्य मानवी का इस संसद पर विश्वास बढ़ता ही गया है। और लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यही है कि इस महान संस्था के प्रति, इस महान इंस्टीट्यूशन के प्रति, इस व्यवस्था के प्रति उनका विश्वास अटूट रहे, विश्वास उनका बना रहे। इन 75 वर्षों में हमारी संसद ने जन भावनाओं की अभिव्यक्ति का भवन भी बना दिया। यहां जन भावनाओं की पुरजोश अभिव्यक्ति और हम देखते हैं, राजेंद्र बाबू से लेकर डॉक्टर कलाम, रामनाथ कोविंद और अभी द्रौपदी मुर्मू जी, इन सब के संबोधन का लाभ हमारे सदनों को मिला है, उनका मार्गदर्शन मिला है। आदरणीय अध्यक्ष जी, पंडित नेहरू जी, शास्त्री जी, वहां से लेकर के अटल जी, मनमोहन सिंह जी तक एक बहुत बड़ी श्रृंखला जिसने इस सदन का नेतृत्व किया है और सदन के माध्यम से देश को दिशा दी है, देश को नए रंग रूप में ढालने के लिए उन्होंने परिश्रम किया है, पुरुषार्थ किया है। आज उन सब का गौरवगान करने का भी अवसर है। आदरणीय अध्यक्ष जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लोहिया जी, चंद्रशेखर जी, आडवाणी जी, न जाने अनगिनत नाम जिन्होंने हमारे इस सदन को समृद्ध करने में, चर्चाओं को समृद्ध करने के लिए, देश के सामान्य से सामान्य व्यक्ति की आवाज को ताकत देने का काम इस सदन में किया है। विश्व के भी अनेक राष्ट्राध्यक्षों ने हमारे इन सदनों को संबोधित करने का भी अवसर आए और उनकी बातों में भी भारत के लोकतंत्र के प्रति आदर का भाव व्यक्त हुआ है। आदरणीय अध्यक्ष जी, उमंग उत्साह के पल के बीच भी कभी सदन की आंख से आंसू भी बहे, ये सदन दर्द से भर गया जब देश को 3 अपने प्रधानमंत्री, उनको अपने कार्यकाल में ही खोने की नौबत आई, नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी। तब ये सदन अश्रुभिनी आंखों से उन्हें विदाई दे रहा था। आदरणीय अध्यक्ष जी, अनेक चुनौतियों के बावजूद भी
हर स्पीकर ने, हर सभापति ने बेहतरीन तरीके से दोनों सदनों को सुचारू रूप से चलाया है और अपने कार्यकाल में उन्होंने जो निर्णय किए वो निर्णय मावलंकर जी से काल से शुरू हुए हो या सुमित्रा जी के कालखंड के हो या बिरला जी के, आज भी उन निर्णयों को रेफरेंस पॉइंट माना जाता है। ये काम हमारे करीब 17 स्पीकर और उसमें दो हमारी महिला स्पीकर ने भी, और मावलंकर जी से लेकर के सुमित्रा ताई तक और बिरला जी का मार्गदर्शन आज भी हमें मिल रहा है। हर एक ने अपनी अपनी शैली रही है, लेकिन उन्होंने सबको साथ लेकर के नियमों कानूनों के बंधन में इस सदन को हमेशा ऊर्जावान बनाए रखा है। मैं आज उन सभी स्पीकर महोदय को भी आज वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ।